सम टू इन्फिनिटी, ठीक है, हेडिंग डालो अपने पास सम टू इन्फिनिटी। अच्छा, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपने सम जो है ना उसका फॉर्मूला देखा है, और सम के हमने दो फॉर्मूले देखे थे वैसे नॉर्मल वाले। एक हमने सम का फॉर्मूला देखा था a मल्टीप्लाइड बाय r पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, और एक हमने फॉर्मूला देखा था सम इज इक्वल्स टू a वन माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय वन माइनस r। इफेक्टिवली ये दोनों फॉर्मूले जो है ना वो सेम है, अलग नहीं है। पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला, जो दो फॉर्मूले सम के आपके सामने आ रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, अलग फॉर्मूले नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला वाला फॉर्मूला है, इसमें हम लोग जो है वो ब्रैकेट से पहले माइनस वन कॉमन ले लें, तो उसको हम वन माइनस आर पावर एन लिख सकते हैं, और नीचे जो आर माइनस वन है उसमें से भी माइनस वन को कॉमन ले लें तो हम लोग वन माइनस आर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल करूंगा, तो इफेक्टिवली ये दूसरा वाला फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला दोनों सेम नज़र आएंगे, यानी कि दोनों एक ही चीज़ हैं। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता था, या हमारे पास ये दूसरा वाला भी जो फॉर्मूला है ये सम का फॉर्मूला होता था, और ये सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टू हो, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू थ्री एटीन, इस तरह से अगर कोई प्रोग्रेशन है तो इसको हम कहते थे कि ये एक हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। और अगर 2, 6, 18 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास a जो है वो 2 है, जो r है वो 3 है, और जो n है वो भी 3 है, यानी कि तीन चीज़ें हैं, और कॉमन रेशियो जो है वो भी 3 है, और जो पहली टर्म है वो 2 है। तो अगर मैं इन तीनों का मैन्युअली सम करूँ, हमने ये देखा था कि अगर हम इन तीनों का मैन्युअली सम करेंगे, 2, 6, 18 का मैन्युअली सम करेंगे, तो हमारा जो सम आएगा वो 26 आएगा। या फिर हम इस सम को फॉर्मूले से भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले से मालूम करेंगे तो हमारे पास सम इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में होगा r पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और ये सम भी हमारे पास 26 ही आएगा, सेम आंसर आएगा एग्जैक्टली, कोई डिफरेंस किसी किस्म का नहीं होगा। 3 की पावर अगर 3 लगाओगे तुम तो 3 पावर 3 कितना, 27, 27 माइनस 1 26, 26 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 26 ही आंसर आएगा। यह हमारे पास सम का फॉर्मूला था, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट से एक बंदा है मिस्टर ए, मिस्टर ए जो है ना वो बैंक जाता है, बैंक में अपने अकाउंट में 2 रुपये जमा करवाता है पहले दिन, दूसरे दिन भी बैंक जाता है बैंक में 6 रुपये जमा करवाता है, तीसरे दिन भी बैंक जाता है बैंक में 18 रुपये जमा करवाता है, एंड सो ऑन, और ऐसा वो हमेशा के लिए जिंदगी भर तक, और उसके मरने के बाद उसके बेटे, और उसके मरने के बाद उसके बेटे, हमेशा करते जाएंगे। तो पहले दिन के आखिर में इसका बैंक बैलेंस 2 रुपये होगा, दूसरे दिन के आखिर में इसका बैंक बैलेंस 8 रुपये होगा, तीसरे दिन के आखिर में इसका बैंक का बैलेंस 26 रुपये होगा, इसी तरह से इसके बैंक का बैलेंस हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, इसके बैंक का बैलेंस हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। भाई पहले दिन इसने बैंक में जाकर 2 रुपये जमा करवाए, फिर इसने 6 रुपये जमा करवाए, फिर इसने 18 रुपये जमा करवाए, फिर 18 × 3 से 54 आंसर आता है, 54 रुपीज़ जमा करें, इस तरह से हर अगले दिन जो ये पैसे जमा कर रहा होगा उसकी वजह से इसका जो बैंक का टोटल बैलेंस है वो इंक्रीज करता रहेगा। जो इसका बैंक का टोटल बैलेंस होगा वो बढ़ता रहेगा, जो इसका बैंक का टोटल बैलेंस होगा वो इंक्रीज होता रहेगा, जिसका टोटल बैंक का बैलेंस होगा वो ज़्यादा होता रहेगा। और हमने ये कहा कि ये ऐसा काम करता जाएगा अपनी पूरी ज़िंदगी, फिर ये मरेगा तो अपने बेटे को वसीयत में लिख देगा कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है, फिर वो उसके अपने बेटे को लिख देगा, और ऐसा कयामत तक चलता रहेगा। तो क्या मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि इसके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना होगा टोटल सम हज़ारों साल बाद? या कभी मैं अगर यूँ बोलूँ कि इसके बैंक बैलेंस
इंक्रीज होना रुक जाएगा, ऐसा कभी होगा नहीं। हर अगले दिन इसका बैंक का बैलेंस क्या होगा, पिछले दिन से ज्यादा होगा, क्योंकि ये जाकर कुछ पैसे जमा कर रहा है और उसकी वजह से इसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर हमारे पास सवाल में कोई नंबर ऑफ ईयर्स पर लिमिटेशन नहीं थी। ऑल्दो हमारा आर क्या था, 3, ए क्या था, 2, लेकिन जो नंबर ऑफ ईयर्स है कि कितने सालों तक ये काम करेगा वो मैंने नहीं बताया। इन्फिनिटी यानी कि मैंने बोला ऐसा करता ही चला जाएगा, तो अगर ये ऐसा करता ही चला जाएगा तो इसके बैंक का बैलेंस तो हमेशा इंक्रीज होता ही चला जाएगा। पहले दिन के आखिर में बैंक का बैलेंस 2 रुपये होगा, फिर 8 रुपये होगा, फिर 26 रुपये होगा, और फिर वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसमें मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए जो है ना, वो बैंक में लेट से पहले दिन बैंक में 2 रुपये जमा करे। दूसरे दिन बैंक जाकर 1 रुपया जमा करे। तीसरे दिन बैंक जाए, आधा रुपया जमा करे, 0.5 रुपीज। चौथे दिन बैंक वापस से जाए, 0.25 रुपीज जमा करे। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? हाँ, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसका ए यानी कि जो पहले दिन इसने पैसे जमा किए, या ए जो है ना वो 2 है, और इसका जो आर है वो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 1/2 या 0.5 है। देखो आर कैसे आता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 1/2, 1/2 या 0.5 आता। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म यानी कि 0.5/1। 0.5/1 कितना बनता है, देखो 1/2 बनता है या 0.5 ही बनता है, चेक कर लेना। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म करोगे अगर 0.25/0.5 तो भी ऐसा ही होगा। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें ये बोलता हूँ कि एक बंदा बैंक जाता है, पहले दिन 2 रुपये जमा करता है, दूसरे दिन 1 रुपया जमा करता है, फिर 8 आना जमा करता है 0.5 रुपीज़, फिर 0.25 रुपीज़ जमा करता है, यानी कि ए 2 है और आर जो है ना वो 0.5 है। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछ लूँ कि 5 दिन बाद इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, अच्छा 5वें दिन ये कितने पैसे जमा करेगा, 0.25 का आधा क्या होता है, 0.125। पहले दिन के आखिर में बैंक बैलेंस 2 रुपये होगा, दूसरे दिन के आखिर में बैंक बैलेंस 3 रुपये होगा, तीसरे दिन के आखिर में बैंक बैलेंस 3.5, चौथे दिन के आखिर में बैंक बैलेंस 3.75, 5वें दिन के आखिर में बैंक बैलेंस 3.875 ना। पहले दिन के आखिर में 2 रुपये, दूसरे दिन के आखिर में पहले वाले 2 रुपये और दूसरे वाले 1 रुपया, 3 रुपये, फिर तीसरे दिन 3.5 रुपये, पहले दिन के 2, दूसरे दिन के 1 और तीसरे दिन के 8 आना, और इस तरह से इसका बैंक बैलेंस 5वें दिन 3.875 हो जाएगा। या हम इसको फॉर्मूले से भी ढूंढ सकते हैं, कैसे, सम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो सम यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाई आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सॉल्व कर बताओ क्या ये भी 3.875 आता है, हाँ जी, क्या ये भी इतना ही आता है? अब इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा पहले दिन 2 रुपये जमा करे, फिर 1 रुपया, फिर 0.5 रुपीज़, फिर 0.25 रुपीज़, फिर 0.125 रुपीज़, इस तरह से करता जाए और 5 दिन तक करे, तो 5 दिन बाद इसके अकाउंट में 3.875 रुपीज़ हो जाएंगे। एग्रीड?
अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि यही बंदा पहले दिन 2 रुपए जमा करेगा, फिर दूसरे दिन 1 रुपया करेगा, तीसरे दिन 0.5 करेगा, चौथे दिन 0.25 करेगा और पांचवे दिन 0.125 करेगा और ऐसे ये करता चला जाएगा करता चला जाएगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ए कितना होगा? 2। आर कितना होगा? एन कितना होगा? इन्फिनिटी। ये ऊपर वाली एग्जाम्पल समझ गए हो ना आप सब? ये वाली, ये 3.875 क्या बता रहा है कि पांचवे दिन के आखिर में इसके बैंक बैलेंस कितना होगा, है ना। अब ये जो इसके नीचे एग्जाम्पल लिखी है ना, इसमें मैंने जो है ना वो आपके पास बोले ये हमेशा के लिए ऐसा करता रहेगा। अच्छा अगर लेट से आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ 0.5 की पावर 100 कितना होता है? 0.5 की पावर 100 कितना होता है? अच्छा 0.5 की पावर लेट से 500 कितना होता है? 0.5 की पावर 500 कितना होता है? 0.5 की पावर 500 का मतलब है 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.5, 500 बार 0.5 से ही मल्टीप्लाई होगा। जीरो आ रही है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, 0.5 की पावर 501 कितना होता है? 0.5 की पावर 502 कितना होता है? जीरो होता है। ऊपर वाले केस में मैंने आपसे ये बोला कि ये बंदा पहले दिन 2 रुपए जमा करता है, कॉमन रेशियो 0.5 है, यानी कि हर अगले दिन आधे पैसे जमा करेगा। पहले दिन 2 है तो दूसरे दिन 1 है, दूसरे दिन 1 है तो तीसरे दिन 8 है, 0.5 है। तो तुमने बोला 5 दिन बाद इसके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना हो जाएगा? 3.875। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं कि एक बंदा अगर पहले दिन 2 रुपए जमा करे, कॉमन रेशियो 0.5 हो, यानी कि हर अगले दिन पिछले दिन का आधा जमा करे, और ऐसा काम वो 500 दिनों तक करे, चलो ऐसा काम वो 500 दिनों तक करे, तो मुझे बताओ 500 दिन बाद इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा? अगर 500 दिन के बाद का बैंक अकाउंट का बैलेंस ढूंढना है तो सम का फॉर्मूला लगेगा ए मल्टीप्लाइड बाई आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कितना आता है? 4 रुपये आ रहा है, 4 रुपये आ रहे। अगर एक बंदा आज बैंक में 2 रुपये जमा करे, फिर अगले दिन 2 का आधा 1 रुपया, फिर उससे अगले दिन 1 का आधा 0.5, फिर उससे अगले दिन 0.5 का आधा यानी कि 0.25, फिर उससे अगले दिन 0.25 का आधा यानी कि 0.125, फिर उससे अगले दिन 0.125 का आधा, और ऐसा वो 500 दिनों तक करे तो इसके बैंक में 4 रुपए जमा होंगे। देखो तुम्हारे सामने है ये वर्किंग। अगर एक बंदा पहले दिन 2 रुपए जमा करे, फिर 1 रुपया करे, फिर 0.5, फिर 0.25, फिर 0.125, तो 500 दिनों बाद इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस 4 रुपए होगा। अच्छा मुझे बताओ अगर ये 500 दिन तक नहीं करे,
अब 500 एक दिन तक करे तो बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। देखो 2 × 0.5 की पावर 501 माइनस 1 अपॉन 0.5 माइनस 1 कितना आएगा? दिमाग तो ये कहते हैं एक और दिन जमा करे पैसे, बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए। फॉर्मूला क्यों इसको माना करता है? माइनस थोड़ी होगी, माइनर वैल्यू होगी। होगा ये कि देखो वो दो आधा हुआ एक बन गया, एक आधा हुआ 0.5 बन गया, 0.5 आधा हुआ 0.25 बन गया, 0.25 आधा हुआ 0.125 बन गया। अब उसको डिवाइडेड बाय 2 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 500 बार डिवाइडेड बाय 2 कर कर जो अमाउंट बचेगा वो तो 0.00000000000 पता नहीं 100 जीरो के बाद एक आधा कोई 1 आ रहा होगा, यानी कि 1 रुपए का मिलियंथ हिस्सा या 1 रुपए का कोई करोड़वा हिस्सा, समझ रहे हो बात को? तो वो इतना मामूली अमाउंट होगा कि इसका बैंक बैलेंस इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। सही है? अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि एक बंदा इसी इसी एग्जांपल के जरिए, एक बंदा आज 2 रुपए जमा करता है, कॉमन रेशियो 0.5 है, यानी कि अगले दिन आधे पैसे जमा करेगा, और ऐसा ये हमेशा के लिए करता रहेगा, 500 या 500 एक दिन नहीं बल्कि करता ही रहेगा, तो फिर भी आंसर 4 ही आएगा, चाहे वो 500 के बजाय 1000 दिन तक करे। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड होकर अगला डिपॉजिट इतना कम हो गया है कि वो है ही इफेक्टिवली जीरो। ठीक है, लेकिन अगर हर अगले दिन पैसे ज्यादा हो ना, देखो दो केसेस है ना, ये वाला केस जो था इसमें आर कितना था 3, तो बैलेंस इंक्रीज होता रहेगा, इसलिए क्योंकि पहले दिन 2 हैं तो दूसरे दिन 6 जमा करवाए, फिर 18 जमा करवाए, वो जीरो पे थोड़ी जा रहे हैं, वो तो इंक्रीज हो रहा है। यहां पर इस वाले सिनेरियो में आर क्या था? आर लेस देन 1 था। जब आर लेस देन 1 होता है ना, जब R या कॉमन रेशो 1 से कम होता है, तो अगली टर्म पिछली वाली टर्म से कम होती है, और जब अगली टर्म पिछली वाली टर्म से कम होती है, जब अगली टर्म पिछली वाली टर्म से कम होती है, तो वो इवेंचुअली कुछ टाइम बाद टर्म्स जो है ना वो जीरो पर चली जाती है। या तुम यूं इन कंक्लूजन कह सकते हो कि जब R लेस देन 1 हो और n की वैल्यू ह्यूज हो, 500 501, 1000 2000 10000 50000, 500000, तो r पावर n कितना बन जाता है? तुमने खुद भी चेक किया ना, 0.5 की पावर 500, 0.5 की पावर 501, 0.5 की पावर 502, जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो और आपके पास n ह्यूज हो, तो r पावर n जो है ना वो जीरो बन जाता है, यानी कि अगली जो r पावर n जो है वो जीरो बन जाता है, यानी कि जो आपका सम का फॉर्मूला होता है ना, सम का फॉर्मूला ये वाला भी है a r पावर n माइनस 1, और ये वाला भी है r माइनस 1, और मैंने इसको ऐसे भी लिखा है कि ये इसके बराबर है, a 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। जब आपके पास सवाल बोले कि n जो है ना वो लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है, और r जो है ना वो लेस देन 1 है, मिसाल के तौर पे 0.5 है, तो आपका सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r, यानी कि आपका सम का फॉर्मूला जो है ना वो बन जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। क्यों? देखो जब जिस कंडीशन में r लेस देन 1 होगा और n ह्यूज होगा, r पावर n कितना होगा? r पावर n जीरो होगा, और अगर आर पावर एन जीरो होगा, तो अगर तुम फॉर्मूले में आर पावर एन की जगह जीरो डालते हो, अगर फॉर्मूले में आर पावर एन की जगह जीरो डालते हो और उसको सिंप्लीफाई करते हो, तो तुम्हारा सम का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर बन गया। लेकिन क्या ये फॉर्मूला हमेशा हमें सम के लिए अप्लाई करना है? नहीं, ये फॉर्मूला सम का हमें तब अप्लाई करना है जो एस इज इक्वल्स टू
डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर वाला सम का फॉर्मूला है, ये हम तब अप्लाई करेंगे जब सवाल ये बोलेगा कि हमेशा के लिए कोई काम हुए जा रहा है और जो आपका आर है वो लेस देन 1 है। उसी केस में आर पावर एन जो है वो 0 बनता है और फॉर्मूला जो है वो ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर बनता है। इन सिंपल आपको जो सवाल आएगा वो ये होगा कि यार अगर ए जो है ना वो 2 है और आर जो है ना वो 0.5 है और आप जो है ना वो सम टू इन्फिनिटी बताओ। सम टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आप सम बताओ लेकिन ये काम हमेशा के लिए हुए जा रहा है, यानी कि 3 या 4 या 5 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। तो आप बोलोगे सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आप बोलोगे ए 2 है, 1 माइनस 0.5 के हिसाब से ये बन गया 2 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि ये बन गया 4। और आपने चेक भी किया ना कि अगर एक बंदा पहले दिन 2 रुपये जमा करवाए और हर अगले दिन पिछले से आधे करवाए तो वो इफेक्टिवली उसका जो सम होगा वो 4 पर जाएगा, उससे ज़्यादा पर नहीं जा रहा होगा। ठीक है, कोई मसला? ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है इसमें? अच्छा जी, अब जो है वो हम इसके सवालात कर लें।